नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। बहराइच जिले के मीरपुरवा कतरनिया वन जीव क्षेत्र के घने जंगलों में लकड़ी कटान व लकड़ी चोरी पर अंकुश नहीं लग रहा है। एक ओर जहां वन विभाग व वन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है, वहीं दूसरी ओर वन निगम की बेश कीमती खैर के बोटों से भरी ट्राली संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाने से वन संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। कतरनिया वन्य जीव प्रभाग के एसडीओ सीताराम अहिरवार ने बताया कि बहराइच से कतरनिया रेंज को जा रहे थे कि तभी नौबना जंगल में हसुलिया पुल के समीप खैर के बोटों से भरी ट्राली आती दिखाई पड़ी। संदेह होने पर ट्रैक्टर को रुकवाकर पूछताछ शुरू की गई। लकड़ी के बोटों पर वन विभाग की मोहर लगी देख ट्रैक्टर चालक से कागज मांगे गए, जिस पर ट्रैक्टर चालक कागज नहीं दे सका। वन्य जीव प्रतिपालक एसडीओ कतरनिया घाट सीताराम अहिरवार ने बताया कि चालक ने वन निगम का जो रवन्ना दिखाया वह 24 मई का था, जबकि नियमानुसार जिस दिन लकड़ी की ढुलाई होती है उसी दिन का रवन्ना होना चाहिए। यदि किसी कारण वह उस दिन ढुलाई नहीं की जा सके तो दोबारा प्रार्थना पत्र देकर नया रवन्ना बनवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर वन निगम का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, सिर्फ ट्रैक्टर चालक के भरोसे इतनी कीमती खैर की लकड़ी की अवैध तरीके से ढुलाई की जा रही थी। मामला संदिग्ध देख एसडीओ ने तत्काल वन निगम की बेशकीमती खैर की लकड़ी भरी ट्राली को ककराहा रेस्ट हाउस में खड़ी कराकर वन्य रेंज अधिकारी ककराहा को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जब वन्य रेंज अधिकारी ककराहा महेंद्र मौर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है, ट्रैक्टर पर लदी लकड़ी वन निगम की है, चालक का बयान लिया गया है, बोटों पर लगी वन निगम की मोहर का मिलान कागज से किया जाएगा, यदि लकड़ी सही है तो वन निगम को सुपुर्द कर दी जाएगी, यदि लकड़ी अवैध पाई गई तो वन निगम के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जब मोतीपुर वन निगम के सेक्टर इंचार्ज डीके वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर खराब हो जाने के कारण समय से लकड़ी ढुलाई नहीं हो सकी थी, जिसकी सूचना चालक ने लिखित तौर पर निगम कार्यालय को दी थी। उन्होंने कहा कि निगम की लकड़ी पूरी तरह से वैध है, इसकी जाँच की जा सकती है। वन क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र मौर्य जी हमारे सामने हैं। सर, अभी पिछले दिनों एसडीओ साहब ने वन निगम की एक ट्राली जिसमें खैर की लकड़ियां भरी हुई थी अवैध तरीके से ले जा रही थी, उसको पकड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें जो है वार्डन साहब के गश्त के दौरान जो है वो कितने जा रहे थे, रास्ते में उनको जो है एक ट्राली दिखाई पड़ी, उन्होंने चेक किया। चेक करने के दौरान उन्होंने जो रवन्ना उसमें देखा, वो रवन्ने पर पड़ा था दिनांक 24/5/2018 और 27 तारीख को ट्रैक्टर निकाल रहे थे, तो उनको थोड़ा शंका लगा है कि जो है 24 तारीख का रवन्ना है और 27 तारीख को निकाला जा रहा है। उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ करके जो है ककराहा में वो रुकवा दिए हैं और हमको सपोर्ट कर दिए हैं कि ये जो है इसके विषय में, इस प्रकरण के विषय में आप जो है जानकारी करिए और हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि सही है, रवन्ने पर जा रहा था और तो छोड़ दिया जाएगा, यदि गलत है तो उसकी विधि कार्रवाई किया जाएगा। जांच की क्या प्रक्रिया है, कैसे जांच की जाएगी कि लकड़ी है वन निगम की? जांच क्या प्रक्रिया है कि इससे बूट जो है जो कटा होगा इसके बूट से उससे मिलान किया जाएगा, यदि मिलता जुलता है उससे तो वो है, नहीं तो यदि नहीं मिलता है तो जो है दूसरे पेड़ की माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वन विभाग के एसडीओ सीताराम अहिरवार जी हमारे सामने हैं। सर, ये जो आपने पीछे खैर की लकड़ी लदी हुई ट्राली पकड़ी है, क्या मामला है? मैं दिनांक 27 तारीख को मोतीपुर रेस्ट हाउस से फील्ड भ्रमण पर निकला था तो लगभग 10 बजे के आसपास हसुलिया बैरियर पर एक ट्रैक्टर लकड़ी से लदा हुआ मुझे दिखाई दिया और मैं जैसे ही लकड़ी के पास पहुंचा, मैंने उनसे लकड़ी से संबंधित कागज़ मांगे तो उसने मुझे 24 तारीख का रवन्ना वन निगम का दिखाया और उस दिन तारीख थी 27। तो एक तो इनका रवन्ना ही गलत था, दूसरी बात लकड़ी के साथ वन निगम का कोई कर्मचारी चलना चाहिए, कोई भी कर्मचारी नहीं था, सिर्फ ट्रक के ड्राइवर रखे गए थे। लकड़ी पे घन वगैरह निशान यही लकड़ी तो है ना सर पीछे जो है? बिल्कुल, ये मेरे पीछे जो लकड़ी है यही ट्रैक्टर मैंने उस दिन पकड़ा था। इस पर नंबर पड़े हैं और क्या पड़ा होना चाहिए इस पर? घन भी लगा होना चाहिए वन निगम का, वो नहीं है। अच्छा, घन का निशान नहीं है जी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।